अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फोर के साइंस यूनिट नंबर वन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लेक्चर नंबर फोर से स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे टॉपिक में है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स के मतलब प्लांट के बारे में पढ़ना है, तो प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। चैप्टर के शुरू में ही मैं बता चुकी हूँ कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स क्यों है, क्योंकि वो जानदार हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए एयर, फूड और वाटर की जरूरत होती है। अब प्लांट्स के यहाँ पार्ट, प्लांट के डायग्राम बनाकर आपको उसके पार्ट्स के नेम बताए गए हैं। ये जो आपको रूट्स, ये जो नीचे को जड़ें नजर आ रही हैं जो जमीन के अंदर तक मौजूद होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, रूट्स। और इन पत्तों को क्या कहा जाता है, लीव्स। और ये जो तना है इसे कहते हैं स्टेम। यानी कि प्लांट्स के यहाँ पर तीन पार्ट्स बताए गए हैं, एक है रूट्स, दूसरा लीव्स और स्टेम। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग है और इनके अंदर भी मतलब इन्हें जानदार है, इन्हें किस चीज़ की जरूरत है, एयर, फूड और वाटर की। अब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नॉन लिविंग थिंग्स। बेटा पहले ही शुरू में ही मैंने डिस्कस कर लिया था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान फ़र्क क्या होता है। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो जानदार हो, जिन्हें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? अब नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं, लेकिन वो जानदार नहीं है, यानी कि बेजान है। जैसे कि हम क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम में बैठे हुए डेस्क क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्योंकि डेस्क को क्या, डेस्क क्या अलाइव है, क्या वो खुद ब खुद अपनी जगह चेंज कर सकता है या उसे ज़िंदा रहने के लिए पानी, हवा और खुराक की ज़रूरत है। इसी तरीके से बोर्ड या पेंसिल आपकी, तो ये जो छोटी छोटी मतलब जो आपकी एक गेट ऐसी चीज़ें हैं जो बेजान है, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर डू नॉट नीड एयर, फूड और वाटर। ना इन्हें एयर की ज़रूरत होती है, ना इन्हें फूड की ज़रूरत होती है, ना इन्हें वाटर की। डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, और आप और वो खुद एक अपने आप को मूव नहीं करवा सकते। यानी कि अगर आपको डेस्क की जगह तब्दील करनी है तो क्या डेस्क अपनी जगह खुद तब्दील करेगा? आप करवाओगे तो उसकी जगह तब्दील होगी ना। इसी तरीके से पेंसिल है, अगर पेंसिल आपके हाथ में है और अगर आपको किसी और को देनी है तो क्या वो खुद बखुद मूव करके चली जाएगी? आप खुद उठ के जाके किसी को दोगे तो वो जाएगी। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती। डू नॉट ग्रो, क्या कभी ऐसा होता है कि पेंसिल आपके पास पड़ी हुई और वो खुद बखुद बड़ी होती चली जाए, या रेजर आपके पास है या वो खुद बखुद बड़ी होती चली जाए, तो मतलब वो ग्रो भी नहीं करते। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, यानी कि उनके इर्द गिर्द जैसा भी माहौल हो, उनकी अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे लिविंग थिंग के अंदर चेंजेस आते हैं, अगर हम लाउड साउंड सुन लेते तो हमने कानों पे हाथ रख लेते, या इसके अलावा अगर हमें और भी अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चेंजेस की तरफ क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा नहीं होता। डू नॉट रिप्रोड्यूस, क्या एक डेस्क अपने जैसा दूसरा डेस्क पैदा कर सकता है? तो वो मतलब रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन किन के अंदर होती है, लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है, आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।